हमारा अपना आयोजन हुआ है, क्या बहने क्या भाई क्या आनंद से सबने अपने शरीर के साथ हम सब अपनी दिनचर्या में व्यायाम का, भ्रमण प्रातःकाल भ्रमण का, शरीर को प्रॉपर ध्यान रखने का, और ये तो आज का दिन तो हमारा मकर संक्रांति का पर्व है और पूरे भारत में नहीं दुनिया में उज्जैन विशेष कारण से जाना जाता है। हम सबको मालूम है कि हमारे सूर्य देवता के आधार पर जो समय की गणना होती है, उस समय की गणना का सबसे शुद्ध केंद्र हजारों हजार साल से उज्जैन रहता आया था, और ऐसे में जब 300 साल पहले तक हमारे अपने यहाँ से समय की गणना होती थी, लेकिन वर्तमान के समय में लगभग 250 साल पहले फ्रांस पेरिस से इसके समय की गणना प्रारंभ हुई, 300 साल पहले 50 साल तक पेरिस से समय की गणना होती रही, बाद में 250 साल से ग्रीनविच इंग्लैंड के पास से यह समय की गणना था स्टैंडर्ड टाइम मेन टाइम वहां से निकालते हैं, लेकिन हम सब कोशिश करेंगे, परमात्मा करेगा, निश्चित रूप से ये मध्यान्ह का सूर्य अगर अपनी कक्षा बदलता है, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन से जाते हैं तो अपनी आंखों से देख सकते हैं वो स्थान उज्जैन और डोंगला है, जहां पर ये गौरवशाली क्षण और प्रतिपल हम अपने इस बात को एहसास कर सकते हैं। महाराजा जय सिंह ने यहाँ वेधशाला बनी, उसके पहले आर्यभट्ट के समय यहाँ ऑब्जर्वेटरी रही, वेधशाला रही, और आज के काल में भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी डोंगला ऑब्जर्वेटरी, इसलिए आज हमारे अपने बच्चे पतंग उड़ाएंगे, ये विटामिन डी भी पाएंगे, क्योंकि हरेक चीज के साथ त्योहार के साथ कोई न कोई हमारा अपना शरीर के स्वस्थ रहने का प्रयोग भी हमारे ऋषि मुनियों ने किया, यही कारण है कि गुड़ तिल खा करके भी हम अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को बरकरार रखते हैं, अपने बहने अपने साथ सुहागन का सामान बांट करके हमारी भारतीय संस्कार को आगे बढ़ाते हुए सनातन संस्कृति की इस ध्वजा को लहराते हैं। इसी के साथ साथ आज भी मेरे विविध कार्यक्रमों में छात्र वैज्ञानिक संवाद का कार्यक्रम भी रखा है कि बिना विज्ञान के हम अपने नए समय की नई व्यवस्थाओं को लगातार खोजते भी रहें और समाज और शासन के हित में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने अपने सभी क्षेत्रों के साथ गगनयान के रूप में चंद्रयान की भी सफलता पाई और आदित्ययान के रूप में और आगे कदम बढ़ाया है दुनिया के अंदर। आज का स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भारत ने बहुत आगे अपनी उन्नति करी है। यशस्वी प्रधानमंत्री, आपको आगे बढ़ते देख के आनंदित भी होते हैं, और किसी कारण से हमारे वैज्ञानिक को हाथ में कोई कारण से अगर निराशा आती तो निराशा में भी 56 इंच वाले सीने के साथ पूरी ताकत के साथ फिर एक बार उठो, आगे बढ़ो, और प्रधानमंत्री लगातार ऐसे अच्छे कामों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। नेतृत्वकर्ता का मतलब क्या है? नेतृत्वकर्ता का मतलब ये है कि लगातार वो पीठ पे हाथ रखे और अच्छाइयों को प्रोत्साहित करता रहे। मुझे इस बात का गर्व है कि 142 करोड़ का पूरा भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे ही अच्छे कामों का लगातार साक्षी बनता रहता है, लगातार उनकी ऊर्जा से सराबोर होकर के जीवन के सब क्षेत्रों में न केवल पूरा देश आगे बढ़ता है बल्कि पूरा विश्व माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्पित है। हम भाग्यशाली हैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री 21 शताब्दी में हमको मिले हैं, और उन्हीं के कारण से हमारे सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले, और इसी को उन्होंने डबल इंजन की सरकार का नाम दिया है कि विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार से आगे लगातार बढ़ती रहे। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, हमारे अपने इस पूरे मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वयं अपनी उपस्थिति से हमको शपथ दिला करके सुशासन की तरफ बढ़ने का मार्ग दिखाया। निश्चित रूप से 8.5 करोड़ प्रदेश की जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार के साथ सबकी भलाई और बेहतरी के लिए और मध्य प्रदेश को देश में नंबर वन के राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर उज्जैन में मैं एक बार फिर राहगिरी के माध्यम से अपील करता हूँ, पूरे प्रदेशवासी देशवासी सुबह का समय निकाले, ठंड का काम ठंड करेगी, शीत का काम शीत करेगी, लेकिन ऐसा
ऐसे में स्वस्थ शरीर रखना ये भी हम सबकी आवश्यकता होना चाहिए। और देखिए कितना आनंद आया है, अलग अलग स्टॉल में क्या क्या नहीं मिला है राहगिरी के माध्यम से। कहीं कोई सुभजन अपने ला रहे हैं, कोई अपनी मंगल कामना दे रहा है, कोई अपने वृक्ष मित्र की अपनी अलग स्थिति बता रहा है, कोई आयुर्वेद से प्रेम करने वाले विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार के विविध विधाओं के अलग अलग मंचों से आपने इस राहगिरी का आनंद का कई गुना ज्यादा आनंद बढ़ा दिया। और उस आनंद में मैं भी सराबोर हुआ, मैं आपका आभार भी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह ऐसी राहगिरी अपनी खंड के समय चलती रहे। इससे एक पंथ दो काज होते हैं, हमारी समाज की विविध प्रतिभाओं को मंच मिलता है, मौका मिलता है और उनकी प्रतिभा सबके सामने आती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को इसी प्रकार से लगातार हम प्रोत्साहित करते रहे और सारे व्यवस्थाओं का भागीदार बने। आज के अवसर पर मेरे साथ माननीय सांसद अनिल लोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन चालू हेड़ा जी, माननीय विधायक हमारे चिंतामण मालवीय जी, हमारे नगर जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह गौर मुंडला जी इस पूरे आयोजन के आयोजनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, कपिल यादव जी इस अवसर पर सभापति, बहन कलावती जी, महापौर मुकेश टकवाल जी, माननीय ओम जैन जी, रवि जी, संजय अग्रवाल जी, रूप अमनानी जी, नाम लूंगा तो उज्जैन में कम पड़ जाएगा, इतना सारा पूरा परिवार है हमारे, अपने सारे के सारे मित्र वर्गों के साथ मैं अपनी ओर से मकर संक्रांति के पावन पर्व की आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये प्रेम, ये स्नेह और ये उत्सव को, पर्व को, त्योहार को मनाने की हमारी ऊर्जा परमात्मा बरकरार रखे। एक बार फिर मकर संक्रांति के पावन पर्व की आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने को संक्रांत की बधाई दी है, अब हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई देंगे। आपकी शादी की सालगिरह, जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर मोहन यादव।